अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी आवाज उठा रहे हैं। कौन आवाज उठा रहा है? यही लोग उठा रहे हैं। उठाने दीजिए ना, क्या पहले कह दिया मैंने आपको, एक बेईमान को बचाने के लिए 10 बेईमान खड़ा होगा, लेकिन एक ईमान कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ जी, कैसे काला बाजारी है? आप कैसे कह सकते हैं बेईमान है? कैसे नहीं बेईमान है? फ्री देते हैं, कहाँ दे रहा है? आपको मिला भी फ्री? मीडिया तो बिक चुका है। क्या होगा 4 जून को? 4 जून का खेला होगा। हाँ। जो कहते हैं हम झोला लेके जाएंगे। हाँ। पीछे से गिरबान पकड़ के झोला को चेक करेंगे। हाँ। झोला में क्या क्या लेके जा रहा है? हाँ। अडवाणी अंबानी को क्या क्या दिया? सच्चाई है जो हमारा संविधान कहता है, संविधान में लिखा है जो गलत करेगा वो गलत, उसको सजा मिलेगी। अगर केजरीवाल जी ने 100 करोड़ का घोटाला करा है तो तिहाड़ में जाके सड़ेंगे। मगर ये हमारे साथ ये तमाम सारे लोग हैं, पर्टिकुलरली सबसे हम जानेंगे कि इनकी क्या राय होगी, कौन किसे चुनेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में दिल्ली की जनता क्या कहती है? भाई क्या नाम हुआ? प्रदीप। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मोदी जी आएंगे ना, सारे चोर बंधन आए थे सारे के सारे। हाँ जी, आप भी रैली में आए थे? हम रिक्शा वाले हैं। चोर बंधन ली थी, कोई मतलब वो नहीं थी विकास करने के लिए। इतना सारा पैसा देश में, यही पैसा कहीं और मतलब विकास होता है? पहले कितने करोड़ रुपए लगी होगी स्टैंड लगाने में, लेकिन यही पैसा और मतलब लगाता तो विकास होता है। ये वेस्ट किया है पैसा को लेकर, इनके पाप का पैसा था जनता का पैसा। अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी आवाज उठा रहे हैं। कौन आवाज उठा रहा है? यही लोग उठा रहे हैं। उठाने दीजिए ना, क्या पहले कह दिया मैंने आपको, एक बेईमान को बचाने के लिए 10 बेईमान खड़ा होगा, लेकिन एक ईमान कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ जी, कैसे? ये काला बाजारी है। आप कैसे कह सकते हैं बेईमान है? कैसे नहीं बेईमान है? फ्री देते हैं, कहाँ दे रहा है? आपको मिला बिजली फ्री? चाहे कहीं के भी हो, बिजली फ्री है। अब आप दिल्ली कैसे करें? आप दिल्ली के, दिल्ली कैसे करें? आप बताएंगे बिजली फ्री है? फ्री सबको दे रहे हैं 200 यूनिट, हमें तो नहीं मिल रहा भाई। हम तो 170 यूनिट दे रहे हैं अभी, आज बिल के बिल भर आए। चलिए हमारे साथ नरेला में दिखाता हूँ मैं आपको। आज आपको नहीं मिलती, मतलब ही नहीं बनता भाई। स्वास्थ्य व्यवस्था है, कोई सी व्यवस्था सही नहीं है इसका, कोई सी व्यवस्था सही नहीं है। क्या कहेंगे? जो आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल पर 100 करोड़ का शराब नीति पर, और अब मैं कहना चाहूंगा 6000 करोड़ रुपए कम नहीं होते? बहुत होते हैं ना? बहुत होते हैं कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? 6000 करोड़ बहुत होते हैं कि नहीं होते? यही बीजेपी सरकार ने 6000 करोड़ का घोटाला करा है, तो वो पैसा क्यों नहीं बोलते? वो लोगों के ऊपर नहीं लगना चाहिए? वो नहीं लगना चाहिए 6000 करोड़ का? ईडी के माध्यम से 14 ऐसी कंपनियां हैं जो ईडी के माध्यम से छापा लगवाया जाता है, और जैसे ही छापा लगता है अगले दिन कई करोड़ों रुपए बीजेपी के अकाउंट में आते हैं। आप बताइए ये कह रहा है भाई, कैसे रहा हो? देखिए प्रूफ करके दिखाया, आप तो प्रूफ करके दिखा देते लेकर के, चोरी हुआ कि नहीं है? अगर एक चीज बताओ, अगर मैं आपको अभी बता दो फिर, अगर ये दारू की वाली बात है ना, अगर मैं आपको घर के सामने दारू का ठेका खोला, अच्छा लगेगा? ये सब आप बताइए, अच्छा लगेगा? मैं क्या देखो, मैं ना अभी केजरीवाल के पक्ष में हूँ, ना मोदी के पक्ष में हूँ। मैं जो सच्चाई है जो हमारा संविधान कहता है, संविधान में लिखा है जो गलत करेगा वो गलत, उसको सजा मिलेगी। अगर केजरीवाल जी ने 100 करोड़ का घोटाला करा है तो तिहाड़ में जाके सड़ेंगे। मगर ये सिर्फ जो अदर पार्टियां हैं उन पे ही लागू होता है, बीजेपी पे लागू नहीं। बीजेपी पे कौन सी ऐसी गोली है जो खाने के बाद सारे पाप बिंट जाते हैं उनके? ऐसी कोई सी गोली है उनके पास? उनके उनके ऊपर ईडी का है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड में 6000 करोड़ का घोटाला करा है, तो उसके उसके खिलाफ बीजेपी पे आरोप नहीं लगते? उनके जो नेता है वो जेल नहीं जाते? तमाम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर घोटाले लगते हैं और वो तुरंत बीजेपी में जाके ज्वाइन हो जाते, बीजेपी के माला पहन लेते, और वो गंगा में नहा लेते। ये कह रहा है कि बीजेपी के नेता क्या हो रहा है? पहले इनमें जब इनमें से पट्टी तो आ गई, इनमें दल बदलना तो इनका काम है। बीजेपी चोर है, मानते हैं ना बीजेपी चोर है? काम है चोर समझते फंसूंगा, चलते मोदी के पास शरण मिल जाएगा तो बच जाऊंगा। क्या होने वाला है दिल्ली में आपकी बार? क्या होगा 4 जून को? 4 जून क्या होगा भाई? अगर प्रूफ हो जाता जाना ही है, जाना ही है उसे, केजरीवाल को, केजरीवाल जाएगा, जाएगा वो जाएगा, उसका कुछ खत्म है। 2004 में आपको 24 बताई दिया जाएगा, देखिए जाएगा। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? डर और जेल वाला है भर।
क्या बताइए। मैं तो कह तो दिया कि 100 की स्थिति पहले ही कह दिया मैंने आपको, एक बेईमान को बचाने 10 बेईमान है और ईमानदार को बचाने कोई नहीं है। आज आपने को बोल लिया बेईमान है, आपने क्या कहा? आपने बोला जिसके एक बेईमान के लिए 10 बेईमान खड़े होंगे। आज इसका नाम मारे से कह दिया कि मोदी है, 100 कौरव होकर 5 पांडव को नहीं हरा पाए ना हरा पाओगे। अरे मोदी क्या बोला, 38 चोरों का चोर है, होगा 4 जून को। हाँ 4 जून को, ये अभी महारैला नहीं देखा, जनता को नहीं देखा, ये जनता जो थे अपना घर से पैसा लगा के आए थे, मोदी के रैली में 500 रुपया में नहीं आए थे, 500 रुपया में। मैं बिहार से आया हूँ, बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में खेला होने वाला है, क्या खेला? बिहार में खेला और हुआ था नीतीश कुमार का, याद है? बता रहे हैं बिहार, बिहार में जो खेला हो रहा है मोदी का, क्या खेला हो रहा है? नीतीश बाबू सरकार चला रहे हैं और भाजपा का सारा नेता बिहार में दारू बेच रहा है। जैसे गुजरात में, बिहार में नहीं दारू बिकता, तेजस्वी जी साथ थे, नहीं बिकता बिहार में। जितना जितना बेचने वाला है ना, टोटल बीजेपी का आदमी है, टोटल बीजेपी का आदमी है। सर्वे करिए, जमीन पे जाइए, घर घर में जाके पूछिए, पता लगेगा राशन नहीं मिला लेकिन दारू बनने का काम जारी है। ये हाल है, ये बताइए। अच्छा बताइए, क्या ऐसा क्या कारण था इंडिया अलायंस के एक हिस्सा नीतीश कुमार जी और गठबंधन के, मतलब चुनाव के पहले ही वो चले जाते हैं, गठबंधन का साथ छोड़ देते हैं? नीतीश एक नीतीश कुमार एक डरपोक आदमी है, मोदी ने उसको धमकी दिया जो मैं तेरे को ईडी और सीबीआई फिट कर दूंगा, कि नीतीश कुमार पलट गया और खेला हो गया। अच्छा एक डरपोक व्यक्ति थे, फिर कैसे मुख्यमंत्री कई बार बन चुके हैं? आप ही लोग चुन करके बिठाए। आइए प्रधानमंत्री कैसे बना है मालूम है? 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन ला दिए। 15 लाख कहाँ से देंगे? पता नहीं उनका बाबूजी का, पता नहीं उनका कहीं बाबूजी चाय बेच के जमा कर रखे होंगे, वही देंगे। हमको तो मिला नहीं, इसका जवाब नहीं दिए आप। 3-3 बार जो है मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार को, क्या कहेंगे? क्यों मेरा केजरीवाल 4 बार बने? आप ही बनाए ना, बिहार के निवासी हैं, आप ही लोग बनाए ना। सबसे पहले नीतीश कुमार ना राजद के गठजोड़ से मुख्यमंत्री बना था, समझ गए ना? उसने तो लालू जी के पीठ पर छुरा मारा है, जिसका बदला मेरा भाई सर तेजस्वी यादव लेके रहेगा। आए मोदी, आए अपने नेता को भेजा, गिरिराज सिंह को ना बेगूसराय में जूता मार के भगा दिया है। आप दिखाओगे? हिम्मत नहीं है, क्यों नहीं दिखाएं? कहाँ से दिखाओगे? आप जो बोल रहे हैं वो सब दिखा रहे हैं। हाँ दिखाइए, तब मैं जानू मीडिया सत्य है, नहीं तो सारा गोदी मीडिया तो बिक चुका है। क्या होगा 4 जून को? 4 जून का खेला होगा। आज जो कहते हैं हम झोला लेके जाएंगे, पीछे से गिरबान पकड़ के झोला को चेक करेंगे, वो झोला में क्या क्या लेके जा रहा है, अडवाणी अंबानी को क्या क्या दिया उससे पूछो। एक प्राइमरी स्कूल बनाया, एक हाई स्कूल बनाया, एक यूनिवर्सिटी बनाया, एक मेडिकल कॉलेज बनवाया, एक जिस दिल्ली में आप खड़े हो ना, ये एक सेकंड जवाब दे, जिस दिल्ली, अरे भैया जिस दिल्ली में आप खड़े हो ना, यहाँ यहाँ 3 दिल्ली है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, चिराग दिल्ली, चौथा दिल्ली नहीं है। जिधर देखोगे उधर बिहार ही बिहार है, जिधर बिहार है उधर बाहर है। अभी इस भीड़ से एक व्यक्ति पहले ही बोल के गया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दारू पीले होगा, उसको बीवी बच्चा नहीं होगा। शराब घोटाला में जाते हैं अरविंद केजरीवाल दी और दारू वो पी लिया, 60 करोड़ के चंदा चोर के पास चंदा कैसे गया? पैसा का हिसाब दो, चंदा चोर का पैसे का हिसाब दो, 60 करोड़ कैसे ले लिया? फंसाने के लिए अरविंद जी को, जो इसने तो दिल्ली में बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, एम्स बनाया। एक सवाल का अंतिम क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 4 जून को अगर जनता चुनती है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है, तो कौन सा बड़ा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेगा? जिसने दिल्ली में लाखों स्कूल कॉलेज बनाए हैं, वो पूरा भारत में स्कूल और कॉलेज बनाएंगे, वही सबसे मेन चेहरा है, उसी को तक कहते हैं। 100 सवाल का एक जवाब जिसका नाम है केजरीवाल, काम करता है।
सारा जवाब ठोके। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं अखिलेश यादव करेंगे दावेदारी। अरे कोई भी बनेगा ना तो सबसे पहले इस देश में 2 करोड़ सरकारी नौकरी जो खाली है ना उसमें भर्ती होगा, ये होगा, कोई बन ले भर्ती होगा 2 करोड़, 1-2 नहीं 2 करोड़। चलिए और कुछ लोगों से जानेंगे। चाचा जी काफी वक्त ले लिए, भाई साहब आ जाइए, युवा है, आइए आगे आइए आगे आइए। जाते जाते भैया एक मिनट, जाते जाते एक बात आप सभी भाइयों को मैं बोल के जाता हूँ, दिल दिया है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए, मोदी तेरी खैर नहीं, आ बीजेपी से हमारा कोई बैर नहीं। आइए चाचा जी क्या कहेंगे, आप भी आए थे रैली में, कैसी रैली है, क्या उद्देश्य हो सकता है? मैं आपकी चैनल की मदद से सबसे पहले तो भारतीय देशवासी को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। किस बात की बधाई? बधाई इस बात पे देता हूँ कि देखता हूँ सब आपस में एक दूसरे अखलाक मोहब्बत से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ये इनमें कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव जो करते हैं वो कोई भी पार्टी करती है, कोई भेदभाव पैदा करती है आपस में, हम लोग में आपस में भेदभाव नहीं है। मैं यहाँ पे दिल्ली में ई रिक्शा चलाता हूँ और ई रिक्शे में सभी तरह के आदमी बैठते हैं, सभी तरह के सवारी मिलते हैं और हम उनके पीछे सुनते रहते हैं कि सवारी क्या क्या बोलती रहती है कि आपके बार किसको चुनाव में आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, कौन सी पार्टी आनी चाहिए। एक सेकेंड रुकिएगा, ये इस भीड़ में हमको एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनसे असली डेटा मिलेगा कि आखिर रियल में दिल्ली की जनता किसका चयन करेगी, क्योंकि भाई साहब बता रहे हैं ई रिक्शा चलाते हैं और सैकड़ों लोगों को ये घर पहुंचाते हैं और घर से उनको समाज की और दिल्ली की सैर कराते हैं। सही डेटा आप देंगे, बताइए क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव? तो बैठते हैं, बैठते हैं आपस में, अखलाक से बात करते हैं, उनसे ये पता लगता है कि हमने बहुत सारी ऑप्शन दिया है कि सर आपके बाद कैसा रहेगा, कैसा मसला जाएगा, तो हम ज्यादातर यही लोग से सुनते रहते हैं कि भाई इन्होंने तो 10 साल हमें तो परेशान कर दिया, अब कोई नया बंदा आए तो मजा आए, कोई नया खेल हो। तो हम लोग भी इस बात पे सोचे हैं कि नहीं, जो भी बोल रहा है ये तो बात सही बोल रहा है बिल्कुल, क्योंकि जब से ये सरकार 2014 में सरकार ये बनी थी, इन्होंने वादा किया था पब्लिक से कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, कि भाइयों और बहनों मित्रों आप सब फिकर मत करो, सभी भाइयों बहनों को 15-15 लाख रुपए अकाउंट में, 0x0 अकाउंट में आई, किसी को 500 रुपए भी अकाउंट में नहीं आया अभी तक। इसने कई वादे किए, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। हमें तो पैसे नहीं चाहिए 15 लाख, हमें बोलने से नहीं होता, रात को खाने के लिए रोटी चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, रोड पे चलने के लिए नई सड़कें बढ़िया चाहिए, हमें ये चाहिए 15-20 लाख रुपए से कुछ नहीं होता, उससे कोई जिंदगी नहीं कटती। चलिए क्या होगा 4 जून को, क्या होगा 4 जून को? इंशाल्लाह बदलाव होगी, बिल्कुल बदलाव आएगी। तो मित्रों अभी आप देख रहे थे रामलीला मैदान से रैली से निकल करके ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे किस प्रकार का कैसा परिवर्तन है और लोगों की रुझान किस तरफ है। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ।